नागपुर शहर के क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने एनडीपीएस और घर फोड़ी के मामलों का पर्दाफाश किया है। इन मामलों में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर के क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने एनडीपीएस और घर फोड़ी के मामलों को उजागर किया है। त्योहार को देखते हुए शहर में नशीली चीजें बेच रहे लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसी के चलते पेट्रोलिंग के दौरान नंदनवन पुलिस थाना क्षेत्र के हसनबाग परिसर में पुलिस ने शेख शहबाज उर्फ दुरानी शेख सलीम नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 22 ग्राम 27 मिली मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त किया है, जिसकी कीमत 2,22,700 रुपए बताया जा रहा है। इस मामले में एक और आरोपी की तलाश पुलिस करी है। साथ ही क्राइम ब्रांच ने दूसरी कार्रवाई पार्टी परिसर में की है। पार्टी पुलिस थाना अंतर्गत एक घर फोड़ी वारदात सामने आई थी और इस मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने गुप्त जानकारी पर नीलेश शाहू और सुजीत वावरी नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने 1,85,000 रुपए का माल जब्त किया है। आगे की जांच चल रही है। सध्या पोळा आणि दही अंडी या निमित्ताने नागपूर शहर आयुक्तालयामध्ये सर्व ठिकाणी आमची पेट्रोलिंग सुरू आहे आणि ही पेट्रोलिंग नंदनवनच्या हद्दीमध्ये हसनबाग येथे सुरू असताना आमच्या युनिट 4 पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली की एक इसम ड्रग्ज घेऊन फिरत आहे। त्यानंतर त्या इसमाचा शोध घेतला असता आणि त्याची झडती घेतली असता त्या ठिकाणी आम्हाला जवळजवळ 22 ग्रॅम MD त्याच्याकडं असल्याचं आढळून आलेलं आहे। त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्यामध्ये इतका मुद्देमाल मिळून आलेला आहे। त्याच्याकडचा टोटल मुद्देमाल हा 22 ग्रॅमचं MD असून जवळजवळ 2,38,000 इतका मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। ताब्यात घेण्यात आलेला जो आरोपी आहे शेख शहाबाद उर्फ तुरानी शेख सलीम हा हसनबाग येथील राहणारा आहे। रेकॉर्डवरचाच आरोपी आहे। यापूर्वीसुद्धा त्याच्यावर असे ड्रगचा व्यापार करण्याबाबतचे गुन्हेसुद्धा दाखल आहेत। याच्यामध्ये अजून कुणाचा हात आहे काय याच्याबद्दल पोलीस सविस्तर चौकशी करत आहेत। चौकशी करून पुढील कारवाई करण्यात येईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।